लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लखीमपुर हिंसाकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तिकोनिया मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, अब दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होगी शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राइवर की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी ने दो उपद्रवियों को किया है गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने दोनों को लखीमपुर कोर्ट में किया है पेश। कोर्ट से दोनों उपद्रवियों को जिला जेल भेजा गया। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर हिंसाकांड से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बताई जा रही है। जाति कुनिया मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, अब दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राइवर की हत्या के मामले में एसआईटी ने दो उपद्रवियों को किया है गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने दोनों को लखीमपुर कोर्ट में किया है पेश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? कि आज एसआईटी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम गुरविंदर है और विचित्र है। ये दोनों उपद्रवी बताए जा रहे हैं जो लखीमपुर खीरी हिंसा हुई है उसमें। सबसे अहम बात यह कि पहली ये कार्रवाई हुई है जो दूसरे पक्ष के ऊपर हुई है, क्योंकि अभी तक अजय मिश्रा और उसके बेटे के खिलाफ ही जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये अब जो दूसरा पक्ष था जिन्हें किसान कहा जा रहा था कि जिन्हें कुचला गया है और उसके बाद कुछ लोगों ने वहां जो उपद्रव मचाया था उनकी उनके ऊपर कार्रवाई का ये पहला सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। और उसमें अब उपद्रवी गुरविंदर और विचित्र को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और जो ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी मौके पर, उसमें ये दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस को शक हुआ, एसआईटी को शक हुआ और अब इन्हें गिरफ्तार करके क्राइम ब्रांच ने दोनों को लखीमपुर के कोर्ट में पेश किया है। वहां से इन दोनों को जिला जेल भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर को जुड़ने के लिए। लखीमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।